हेलो दोस्तों, मैं हूं मानिक और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल साइबर स्कूल चैनल। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है, हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और इसको सेटअप करेंगे, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ओबीएस स्टूडियो। अगर आप गेमर है या स्ट्रीम करना चाहते हैं फेसबुक में, तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप लोग कर सकते हैं। तो ये मेरा सेकेंड वीडियो में आ रहा कि कैसे आप ये स्ट्रीम करेंगे अपने ओबीएस स्टूडियो सॉफ्टवेयर से। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। और जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के साथ, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ओबीएस स्टूडियो मैंने लिखा है गूगल में और ये भी आ भी गया है। ये है obsproject.com जो वेबसाइट है उनका। अगर हम यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करते हैं तो पूरा डाउनलोड मिल जाएगा। और ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 64 बिट। तो मुझे इसके लिए डाउनलोड करना है, मैक के लिए नहीं। तो यहाँ पे है डाउनलोड इंस्टॉलर, और यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉलर 32 बिट के लिए भी है। हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे और एक नया पेज आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे है प्रॉब्लम्स विद द डाउनलोड, ट्राई अगेन। तो ये देखिए, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा अभी ये 4 मिनट में। 85.8 MB का ये सेटअप है, ये एक सी फाइल है। और अगर आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड शुरू नहीं होता है तो यहाँ पे आप ट्राई अगेन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, और जब ये हो जाएगा फिर हम वापस आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमारा जो OBS है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए, OBS स्टूडियो 27.01 ऐसा कुछ है .exe। तो इसका हम अभी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे ओपन, या तो हम लोग यहाँ से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको फाइल ढूंढना है तो आपके जो कंप्यूटर की डाउनलोड फोल्डर है उसमें आप ढूंढ सकते हैं। मैं बाद में दिखा दूंगा, पहले इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट। इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ दिस कंप्यूटर। इसके बाद यहाँ पे है डाउनलोड, और यहाँ पे देखिए OBS स्टूडियो। जो भी आप मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे आके स्टोर होता है। ये चेंज भी कर सकते हैं आप लोकेशन, तो मैं यहाँ से अभी नेक्स्ट कर दूंगा। और यह है उनका जो लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन है, और इसके बाद है नेक्स्ट। फिर यहाँ से हम लोग डेस्टिनेशन फोल्डर, यहाँ के यानी कि कहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, ब्राउज करके आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी के खातिर। तो मुझे नहीं करना, तो ओके मैं करता हूँ। इसके बाद करते हैं इंस्टॉल। और थोड़ा ही है, हाँ अभी यहाँ पे आ गया है लॉन्च OBS स्टूडियो। तो इसको हम फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंस्टॉल हो गया है और लॉन्च भी हो गया। यहाँ पे अभी फिर से इंफॉर्मेशन, यूजेज इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट आया है, और यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रीमिंग के लिए रिकॉर्डिंग इस सेकेंडरी, ठीक है, स्ट्रीमिंग के लिए है। तो मैं तो स्ट्रीमिंग के लिए इसको डाउनलोड किया है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे है ऑप्टिमाइज जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए है। और यह है वर्चुअल कैमरा के लिए। तो मैं ऊपर वाला जो है, जो अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, अगर आप गेमर है, गेम खेलते हैं, या फेसबुक में या यूट्यूब में आप दिखाना चाहते हैं जो व्यूअर्स को आपकी गेमिंग या गेमिंग चैनल खोलना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मेरा जो हार्डवेयर है उसकी अनुसार ये उन्होंने भेजा है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यूज़ कारण तो वही ठीक है। FPS है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मुझे चेंज नहीं करना है, रहने दीजिए। नेक्स्ट।
और सर्विस है ट्विच, और यहाँ पे बहुत सारी यूट्यूब, फेसबुक लाइव, यहाँ से आप लोग जहाँ पे आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फेसबुक के लिए फेसबुक होगा, ठीक है। इसके बाद स्ट्रीम की वगैरह जो मिलता है वो कैसे करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, कैसे आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो यही तो था कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग बैक जाते हैं और फिर से नेक्स्ट, और यहाँ पे फेसबुक ही रहने दीजिए, और यहाँ पे अभी की नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं फुल स्क्रीन। और यहाँ पे देखिए, यू डोंट हैव एनी सोर्सेस, और यहाँ से आप देखिए ऑडियो कैप्चर, ऑडियो वो सब बहुत बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का जो तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, हुआ है, और सेकंड जो वीडियो आने वाला है वो तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, तो आप खुद भी स्ट्रीम कर सकते हैं गेमिंग वगैरह जैसे यूट्यूबर करते हैं फेसबुक में या यूट्यूब में, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के जरिए। इसका सेटिंग देखने के लिए आपको फिर से आना होगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए बाय, टेक टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।